नमस्कार। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग चित्तूर जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। मंदिर के आसपास अद्भुत घटनाएं होती है, जिसके चलते इस स्थान को धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह मंदिर देश में ही सिर्फ नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी का नाम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जो स्वयं भगवान विष्णु है, यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर अर्थात भगवान विष्णु जी की प्रतिमा अद्भुत एवं अलौकिक है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु यहाँ विराजमान है। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पसीने की बूंदे देखी जा सकती है, जिसके चलते मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। इस मूर्ति की सबसे रहस्यमय बात यह है कि जब भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है तो इस कपूर का भी कोई प्रभाव उनकी प्रतिमा पर नहीं पड़ता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा पाठ या स्पेशल वस्तु को चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर में विशेष मंत्र का जप करके भगवान बालाजी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। यह मंत्र एक शुद्ध ध्वनि कंपन है जो मन को केंद्रित करता है। ये मंत्र है ओम वेंकटेश्वराय नमो नमः, श्रीमन्नारायण नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर रोज करीब 50,000 से 1,00,000 लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ सामान्य दर्शन करने वालों को करीब 1 से 3 दिन का समय लगता है। भीड़ बहुत ज्यादा होने की स्थिति में इससे भी ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो तिरुपति बालाजी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा कर VIP दर्शन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको कम समय में दर्शन हो जाए। आप इसके बारे में अधिक जानकारी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पा सकते हैं। स्पेशल एंट्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी जानकारी आ जाएगी। VIP दर्शन करने के लिए आपको 300 रुपए की टिकट मिलेगी, जबकि सामान्य 50 रुपए में मिल जाएगी। मंदिर में दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। तिरुमला में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कल्याण उत्सव मनाया जाता है। तिरुपति आप दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ के कुछ नियम हैं, वो ये हैं। आपको कपिल तीर्थ पर स्नान करके कपिलेश्वर के दर्शन करने हैं, फिर वेंकटाचल पर्वत पर जाकर बालाजी के दर्शन करने हैं। इसके बाद पद्मावती देवी के दर्शन करने हैं। पद्मावती देवी का मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पत्नी पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। ऐसा माना गया है अगर आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपकी तिरुमला की यात्रा पूरी नहीं होती है। मंदिर में आपको लड्डू प्रसाद के रूप में वितरित करते हुए दिखेगा, जिसे प्रसादम कहते हैं। लड्डुओं का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इन लड्डू को बनाने की विधि अलग है। लड्डुओं का निर्माण बालाजी मंदिर की रसोई में होता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि अगर आप यहाँ से लड्डू ले जाकर घर पर बनाकर खाना चाहें तो वो स्वाद नहीं मिलेगा जैसा वहाँ के मंदिर में आपको स्वाद मिलेगा। लड्डू की कीमत 10 रुपए से शुरू होकर 25 रुपए तक है। लड्डुओं की सुरक्षा भी काफी कड़ी होती है। लड्डुओं को यहाँ से ले जाने के लिए आपको एक सुरक्षा दायरे से होकर गुजरना है, जिसमें सुरक्षा कोड और बायोमेट्रिक विवरण शामिल है। कहा जाता है कि यहाँ बाल दान करने की परंपरा है। इस मंदिर में रोजाना करीब 20,000 लोग अपने बाल दान कर देते हैं। यहाँ पर मनुष्य अपने बालों के रूप में सारे पाप बुराइयां मंदिर में छोड़ जाता है तथा उसके सभी दुख देवी लक्ष्मी खत्म कर देती है। आपको बता दें, जब आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमेशा श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में एक मंदिर जलता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डलता। इतना ही नहीं, आज तक यह भी पता नहीं चला है कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। तो अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं तो सब कुछ पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख ले। अगर आपके पास बहुत दिनों का समय नहीं है तो आप VIP टिकट लेकर जाएं और दर्शन कर ले। और हाँ, प्रसादम लाना बिल्कुल ना भूले।